देहरादून के सहसपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत में सरास पट्टी के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने की शपथ ली। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई। दरअसल ग्रामीणों ने सड़क और मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते मतदान न करने का फैसला लिया था, मगर सीडीओ की समझाइश के बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और मतदान करने की शपथ ली। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमने ऐसे प्रकरण चिन्हित करे हैं कि पूरे जनपद में ऐसे कितने प्रकरण हैं जहां पर इस तरह के कोई विषय आया है जिसको लेकर के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की है, तो इसमें कई जगह हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। हमने मतदाताओं से बात करी है और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है सड़क की मांग से संबंधित मांगे हैं, और उसमें भी ये समस्या है कि कहीं पे फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जो है वो सड़क नहीं बन पा रही है, तो वहाँ जाके मतदाताओं को समझाया गया है कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी, उसको उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इस कारण से वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना करने का वो ना लगाएं और मताधिकार जरूर करें, ये उनसे अनुरोध किया गया। और इसमें काफ़ी सहमति भी बनी है। कल मिसरास पट्टी में भी मैं स्वयं गई थी और वहाँ मतदाताओं से बात करी गई, उसके बाद उन्होंने मतदान करने के लिए अपनी सहमति भी दी है और मतदाता शपथ भी ली।